ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं। अक्षय को कन्विंस करने कोई जरूरत ही नहीं पड़ा होगा, आई एम श्योर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट तेरी मिट्टी से अजीम जो है उन्होंने मिलवाया था मेरे को अक्षय बाजी से, तो उसने मेरे को एक गाना भेजा तेरी मिट्टी, तो मैंने तेरी मिट्टी डब करा, तो फिर मेरे को अक्षय बाजी का फ़ोन आया, अभी उन्होंने बहुत तारीफ करी मेरी, बहुत ही ज़्यादा। उसके दौरान मैंने उनको ये फिलहाल गाना सुनाया था, तो पाजी को तब से बहुत ज़्यादा पसंद आया था गाना ये। And how did Nupur come on board? So Azim only, the same person. Actually, मैं उनसे मिलने के लिए गई थी for something else, and he was like, "Do you also act? And because I can see you in something, like I have something, and I think you're gonna go well in that character." So the next day he said that you know, the director wants to meet you. So I met Jaani, I met Arvinder sir, and lights off हुए and हमने speaker पे गाना सुना. And मैंने आँख बंद करके आई वॉज लाइक आई हैव टू डू दिस एंड आई हर्ड द स्टोरी ऑल्सो एंड इट वॉज ब्यूटिफुल एंड तब तक आई डेंट नो कि अक्षय सर है इसमें. मैंने कृति से ऑनेस्टली वन क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज ही लाइक, इज ही लाइक नाइस, लाइक यू नो लाइक वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग शीला, कि ऑफकोर्स ही इज वेरी वार्म, तो टेंशन मत ले, यू जस्ट बी रियल, बी ऑर्गेनिक, जस्ट गो विद द फ्लो, एंड कुछ होगा तो यू कैन इवन आस्क हिम एंड ऑल, ही इज़ वेरी नाइस बाय नेचर. So, which I did, मैंने बहुत सवाल पूछे, ये सब मुझे बोलते हैं कि ये बहुत सवाल पूछती है. डू यू थिंक कृति हैज़ पेव्ड द वे फॉर यू हियर इन बॉलीवुड? शी हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी एंड आई वुडन्ट डिनाई इट. शी देर हैव बीन अ लॉट ऑफ प्रोज एंड आई एम ब्लेस्ड दैट एटलीस्ट पीपल नो ऑफ मी. एटलीस्ट इफ आई हैव टू मीट सो से अ बिग डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर, जस्ट टू गो एंड जस्ट मीट वन ऑन वन, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू ब्रिंग आउट योर ओन पर्सनैलिटी इंडिविजुअली इफ यू गो एंड मीट समवन. सो एटलीस्ट आई कैन डू दैट. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मोस्टली ऑल माई फ्रेंड्स आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड देर ऑल्सो लॉट ऑफ देम आर ट्राइंग फॉर एक्टिंग, एंड आई डू फील दैट, मतलब आई फील बैड ऑल्सो दैट सम ऑफ देम फील प्रिविलेज्ड मीट. वो है, वो चीज़ है, मैं वो चीज़ ले नहीं सकती और मैं वो लेना भी नहीं चाहूँगी, वो चीज़ है. बट एट द सेम टाइम शी हैज़ गाइडेड मी. बट कोई किसी को कोई मूवी या कोई किसी को कोई चीज़ दिला नहीं सकता. अ लॉट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट रीमिक्सेस रिसेंटली. म्यूजिक डायरेक्टर हैज़ बीन लैशिंग आउट ऑन अदर फेलो म्यूजिक डायरेक्टर्स, बट आपको क्या लगता है? देखो, ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ऑलवेज, नो डाउट. हम भी उस चीज़ के साथ हमारा प्रॉपर स्टैंड है हम दोनों का. हमने भी रीमेक किए हैं, बट हमने बहुत रेयर किए हैं जो अभी आ रहे हैं एक दो. बट यस, ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल, मतलब उससे उसको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो. तो मुझे लगता है कि अगर आप जितने ज़्यादा ओरिजिनल अच्छे बनाओगे उतने ज़्यादा रीमेक कम होते जाएंगे. अच्छा, मैं जाने से पहले आपको मिट्टी तो ज़रूर करूँगी, बिकॉज दैट इज़ आवर फेवरेट सॉन्ग. ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, कि तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू.